पहले एक्शन। निकलो। ये है आपका पहला फैन, टेबल फैन। ये और एक एक्शन। ये रहा आपका पहला फैन, टेबल फैन। ये और एक फैन है, ये भी टेबल फैन ही है। ये देखिए यहां से। अरे वाह, ये एक अलग टाइप का फैन है। ये जो है वो ऐसे 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 मिलता है। ये एक एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन भी चाहिए ना। और ये है, ये छोटा फैन है लेकिन बहुत उपयोगी है। कभी कभी लाइट नहीं रहती ना तब। भैया ये तो फंस गए। 1200 क्या है, जगह थोड़ी छोटी पड़ेगी इसीलिए। अरे मेरे भाइयों, फैंस का मतलब प्रशंसक। फैंस का मतलब प्रशंसक। कौन सी भाषा में? मतलब एसी का मतलब तेज प्रशंसक। भैया ये तो कैसे हंस रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, आप मानो या ना मानो पर हिंदी भाषा में फैंस का मतलब प्रशंसक। अरे आप लोग बताइए ना, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? हमने आपकी फिल्म देखी थी, गुंडागिरी हो गई बर्बाद, आर्यमैन चला औरंगाबाद। 3D थी वो। वो तो जबरदस्त हिट थी। क्या आवाज मत करो। रोलिंग एक्शन। भैया ये तो फिर से हंस रहे हैं। सीलिंग फैन मंगवाया क्या? जगह थोड़ी छोटी पड़ गई। आ रहा है सीलिंग फैन भी है। अरे मेरे भाइयों, फैंस का मतलब प्रशंसक। फैंस का मतलब प्रशंसक। कौन सी भाषा? तो मतलब एसी मतलब तेज प्रशंसक। हंसो भैया, ये तो फिर से हंस रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, हिंदी भाषा में फैंस का मतलब है प्रशंसक। अरे आप बताइए ना, आप यहाँ पर क्यों आए? हमने आपकी फिल्म देखी थी, गुंडागिरी हो गई बर्बाद, आर्यमैन चला औरंगाबाद। 3D वाली थी ना वो फिल्म? हाँ, वो तो जबरदस्त हिट थी। कैसे तो हो सकती है फिल्म? मतलब इतनी घटिया एक्टिंग किया आपने उसमें। ओ वो हसी। आपकी जब माताजी की हत्या की जाती है तब आपने ऐसे चिल्लाया, तब आप ऐसे चिल्लाए थे कि इंटरनेट से ढूंढूंगा मेरे माँ के कातिल का पता, हटा सावन की घटा। एकदम बकवास है, एकदम बकवास। बाप रे बाप, ऐसे कोई एक्टिंग करता है? ओके, दूसरी फिल्म। दूसरी फिल्म? ओ हो हो, अच्छा, वो कैसी लगी आपको? वो बहुत जोर से। बहुत जोर से लगी। मतलब क्या टाइटल है? गुंडे का फटिया रेनकोट, आर्यमैन चला राजकोट। सबसे पहले तो टाइटल आपको कौन देता है? उस अच्छा, हमें क्या लगा कि शायद औरंगाबाद में वो होता है ना, कभी कभी गंदी एक्टिंग होती है। राजकोट में तो आपने सुपर गंदी एक्टिंग की है। मतलब एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ है। ये क्या? अच्छा वो डांस डांस है, डांस है। अरे हाँ हाँ, आप दिखा सकते हैं? ये डांस डांस मैंने बोला ऐसे लग रहा है डिश टीवी पे बनियन सूख रहा है, इसको बनियन बोलता हूँ। अच्छा, आपने मेरी तीसरी फिल्म देखी? नहीं, मुझे हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि ये राजकोट और वो कौन सी औरंगाबाद देखने का, वो आपकी तीसरी फिल्म का नाम पता है? गुंडे को मारी चप्पल नहीं, आर्यमैन चला चेन्नई। ओ वो तो हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा वो 15 मिनट में वो मारना भूल गया। हाँ कट।
दे दे पापा नहीं ये अमित भाई ये अरे आप लोग फिर आ गए क्या है वर्षिंग वाले जी हम तो अरमान कुमार जी के लड्डू लड्डू लाए मूर्ति चोर के लड्डू है ये बोला ये मन मूर्ति चोर नहीं बेटा वो तो पुरानी फिल्म वाले अजीत साहब है ना ये वो जो 2.5 करोड़ की मूर्ति बोलते मोना डार्लिंग कल जहाज में 2.5 करोड़ की मूर्ति आने वाली है डार्लिंग इसे चुराने में खतरा है फिर गाना ऐसे ए ओ समझ गए समझ गए मूर्ति चोर का मतलब तो कहा है अरमान जी वो नहीं है सनशाइन कॉलोनी और आपके सनशाइन कॉलोनी के नाटक पे चीफ गेस्ट बनके भी नहीं आएंगे पॉसिबल नहीं है नहीं नहीं वो ये लड्डू खाएंगे देख पापा को ये लीजिए ये इसने शरद ने दे दिया क्या किया इधर देख अरे आप नहीं दे रहे पापा को देख हाँ लेकिन बगा मार दिया अभी उसे हेमंत को देखना अभी इधर देख पापी सेवन को देख पापी सीधर देख पापा को देख फिर वो पापा ने कुछ समझाया इधर हेलन वाला अजीत ऑन क्यू बहुत स्वागत है जी आप सबका मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर और मेरे साथ में सुजाय जो बड़ी दूर से आए के सुपरस्टार हैं सर बात करें इस शो में आपकी एंट्री है बड़ी धमाकेदार एंट्री है और रेसलर है कैसी इसमें एंट्री नहीं आपकी यही कह रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा शो है जिसको बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इस शो में मैं एंट्री कर रहा हूँ एज ए सुपर हीरो जिसमें मेरा आर्यमैन समथिंग करके जो सुपर हीरो है जिसके पास कुछ सुपर पावर हैं मगर वो सुपर पावर ऐसी हैं कि जिनको देख के सभी बच्चे हंसेंगे तो वह एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं जितना कर सकूँ बच्चों के लिए बना हूँ तो बच्चों के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ जाए तो यही मेरा रीज़न है इस शो में एंट्री करने का आप क्या कहना चाहेंगे बेटा और कुछ नहीं और सर हम लोग के साथ है हम लोग की बहुत खुशी हो रही है हम लोग और बच्चे भी देखते होंगे हमारे सर को बिग बॉस पे आप देखते ही होंगे हमारे सर को टीवी में आपकी एक तरह से पहली बार एंट्री है टीवी के बाद बिग बॉस के बाद नहीं बिग बॉस के बाद मैंने एक शो किया शपथ जिसमें मैंने एज ए संग्राम सिंह सीनियर को बन के एंट्री किया 3 महीने लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम था ये नहीं 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 वो 3 महीने का था काफी लंबा था और ये मैं स्पेशल एंट्री कर रहा हूँ ये शॉर्ट कर रहा हूँ कितना मजा आ रहा है आपको इस बात करके क्या कॉमेडी करना कितना मुश्किल आपके लिए नहीं मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है तो मैं काफी मजा करता रहता हूँ खींचता रहता हूँ जैसे उन्होंने कहा कि अरे वो लाइट नहीं जल रही मैंने कहा यार अपना प्रोड्यूसर गुजराती है यार कोई बात नहीं लाइट नहीं जल रही आदमी अच्छे मगर वहां का पानी थोड़ा सा वैसा है तो कोई नहीं बाकी मैंने अभी एक फिल्म की शूटिंग की जो मेरी फिल्म आने वाली है युवा आप सभी देखिए उस फिल्म में मेरे साथ ओम पुरी जी हैं जिमी शेरगिल जी हैं रजत कपूर जी हैं संजय मिश्रा जी हैं अर्चना पूर्ण सिंह जी हैं तो ढेर सारे उस फिल्म में जो अच्छे कलाकार हैं सब बेहतर हैं और बड़ा मज़ा आया उन सब के साथ काम करके और ओम पुरी जी ने मेरे से पूछा कि संग्राम आपका एक्टिंग का अनुभव कितना है तो मैंने उनको बोला सर पूरा 1, 2, 3, 4, 21 घंटे 21 घंटे वो कैसे मैंने कहा सर जिंदगी में 7 फिल्में देखी हैं और अभी आप सबके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ तो मतलब काफ़ी फनी रहा बाकी एक एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि बच्चा जन्म से ही पैदा होता है सबके अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है बस बाहर आके पॉलिश कर लो उसको मैं भी सुजाय से सब सीख रहा हूँ बाकी सबसे सीख रहा हूँ ओमपुर जी से सीखा जहाँ पे जा रहा हूँ सबसे सीख रहा हूँ बिग बॉस वालों को छोड़ के उन्हें कुछ सिखा के आया हूँ कि अच्छी ज़िंदगी क्या है नेचुरल लाइफ क्या है ये 2 लाख रुपये क्रीम छोड़ो बादाम के तेल पर आ जाओ ये प्रोटीन छोड़ो चवनप्राश पर आ जाओ वहाँ पर कुछ सिखा के आया हूँ उन सबको और बाकी सबसे सीख रहा हूँ आप पहलवानी से जुड़े हैं और एक रोहतक से हैं इसमें लाइफ में इसमें कितना डिफरेंस मानते हैं आप लाइफ बिल्कुल अलग है होगा सच बताऊं कि मैं हरियाणा में रोहतक के पास मेरा गांव पड़ता है मदीना एक बीमार सा बच्चा परी में जो पैदा हुआ फिर अर्थराइटिस हो गया मालिक रास्ते बना रहा हम चलता जा रहा हूँ ढेर सारा डिफरेंस है मुझे पता नहीं था कि टीवी क्या है फिल्में क्या हैं आज मैं टीवी शो कर रहा हूँ एक बड़ी फिल्में आ रही हैं मालिक की सब उसकी मेहर है फ़र्क तो है कहते हैं कि एक दीवार गिरने वाली है और बाहर से उसको डिस्टेंबर कर दो यहाँ की जिंदगी काफ़ी बार वो लगती है मुंबई में जैसे एक दीवार गिरने वाली बाहर से उसको पेंट से सजा दो दीवार नहीं दिखेगी मगर अंदर से खोखली है गांव में ये है कि दीवार सॉलिड है बाहर से अपने ऐसे आड़ी तिरछी पड़ी रहती है तो ये है कि अच्छा है मगर
प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे काफी अच्छा है, ज्यादा है। बाकी दिल्ली में मैंने देखा, दिल्ली के आसपास अपने बंदे क्या करते हैं कि उनकी भी गलती नहीं, पानी वहां का वैसा है कि कुछ भी बात होगी 5 स्टार से कम मीटिंग नहीं करेंगे। इतनी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, चाहे उसमें फ्यूल डालने के पैसे हो या ना हो, एक मीटिंग कॉफी पियेंगे 5 स्टार में, दूसरी मीटिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी। यार आई थिंक वो काम तो होने वाला है, अभी थोड़ा टल गया, बाद में करते हैं। तेरी तो 5 मीटिंग खराब कर दी, 5 टाइम खराब कर दिया, तो थोड़ा पहले कर लेता। यहाँ के बंदे ये कि प्रोफेशनलिज्म इतना अच्छा है कि काम नहीं हो रहा होगा तो आपको SMS कर देंगे या फोन नहीं उठाएंगे, तो समझ जाना फोन नहीं उठाओ तो काम नहीं हो रहा है, काम बनने वाला नहीं है। बाकी जिंदगी डिफरेंस है। अभी मैं मालिक की दया से मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। जीवन का एक सपना है कि एक रेसलिंग की लीग लेके आऊँ और कुछ ऐसा करूँ कि मतलब मालिक ने जरिया बनाए कि 1,000,00,000 करोड़ बच्चों को रोजी रोटी जरिया बनूँ। यही तमन्ना, यही विषय। थैंक यू सो मच, आप सबके साथ इतनी बात की, अच्छी की। थैंक यू सुजय, थैंक यू कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।